माताओं बुजुर्गों, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन छह मंत्रियों ने शपथ नहीं ली, आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये सारी कवायद जो हम लोगों ने की थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं की थी, ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी। दोस्तों, आज आम आदमी की जीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावों में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अभी तक हम लोग, इस देश के लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे। हमें लगता था इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बिल्कुल गर्त में जा रहा है, इस देश की राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। ये एक बहुत बड़ी जीत है, दिल्ली के लोगों की जीत है। मैं परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ये जीत हुई है, ये वाकई एक कुदरती करिश्मा लगता है। नहीं तो आज से दो साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे और असल में जनता का राज स्थापित होगा। दोस्तों, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये जरूर कुछ ना कुछ कुदरती करिश्मा है और इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद अदा करता हूं, ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो केवल आम आदमी की सरकार बनी है, असली लड़ाई अभी बहुत लंबी है और ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते, ये अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता, हम छह लोग सात लोग मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इस देश से दिल्ली से भ्रष्टाचार हम दूर कर सकते हैं, मिलकर भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं है, हमें ये बिल्कुल घमंड नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है, हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, भगवान ने सारी बुद्धि हमें नहीं दी है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें यह पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग मिलकर नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, अब हम लोगों को दिल्ली एक साथ मिलकर चलानी पड़ेगी, अब सरकार ये सात मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे, अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। दोस्तों, याद करो, आज से 2.5 साल पहले यहीं पे हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे जब राम अन्ना हजारे जी ने 13 दिन का अनशन करा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? हम लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करो। इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, अनशन किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये साफ हो गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी, तब तक इस देश को सुधारा नहीं जा सकता, इस देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे,
लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। आज हमारे देश की समस्याएं, कई सारी समस्याएं गंदी राजनीति की वजह से है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं क्योंकि राजनीति खराब है, क्योंकि मंत्री मिले हुए हैं। आज पानी नहीं आता है क्योंकि राजनीति खराब है। आज सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि राजनीति खराब है। दोस्तों, इसी राजनीति को साफ करने के लिए हम सब लोग निकले हैं और आज का दिन उस जर्नी में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में हमने अपनी एक बहुत ही जाबाज साथी संतोष कोहली को भी खो दिया। संतोष कोहली शहीद हो गई, लेकिन आज हिंदू धर्म में कहा गया है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। आज संतोष कोहली की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर वो हमें देख रही होगी, अगर वो सुन रही होगी, तो वो खुश होगी कि उसकी शहादत बेकार नहीं गई और दिल्ली वाले उसके उसके संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं। आजकल कई लोग मुझे कहते हैं कि अरविंद जी सतर्क रहना क्योंकि अफसरशाही आपको सफल नहीं होने देगी। मैं ये नहीं मानता। पिछले कुछ दिनों से मैं दिल्ली के कुछ अफसरों से मिला हूं और साथियों, ये मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि अगर कुछ चंद लोग भ्रष्ट हैं तो अधिकतर अफसर बहुत ईमानदार है और वो देश की सेवा करना चाहते हैं। और आज दिल्ली की अफसरशाही के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली की अफसरशाही को दिल्ली के लोगों के साथ मिलके देश के लोगों को यह दिखाना पड़ेगा कि अगर सारे देश के लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे अफसर इकट्ठे हो जाएं, जनता इकट्ठी हो जाए, नेता इकट्ठे हो जाएं, तो हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, गरीबी से मुक्ति दिलवा सकते हैं। मैं केवल अपने मंत्रीगण से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। आज ये आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का घमंड तोड़ने के लिए बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और पार्टी को हमारा घमंड तोड़ने के लिए जन्म लेना पड़े। कभी घमंड मत करना दोस्तों। और यह बात कार्यकर्ताओं के लिए भी है। आप अपने इलाके में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपनी गली में जाओगे, सबसे हाथ जोड़ के विनती के साथ, विनम्रता के साथ आपको काम करना है, सबकी सेवा करनी है। हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, देश की सेवा करने के लिए आए हैं। और ये सेवा भाव हमें कभी नहीं भूलना अपनी जिंदगी के अंदर।